जब देश का बात है, वो भी जो 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, वो भी किसी के बेटा थे, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी का भाई। हम लोग इस दिन को ब्लैक डे घोषित करके, इसलिए यहाँ पे जितने भी शहीद हैं, जहाँ जहाँ शहीद का स्मारक है, तो पूरे देश में लोगों को ये मनाना चाहिए इस चीज़ को, और लोगों को बताना चाहिए कि ये जवान आज खड़े हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। दिन रात एक करके जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, कब श्रद्धांजलि उनका हो, भाई हम लोग देने के लिए खड़े हो जाए, ये भी उनको पता नहीं है। आज 14 फरवरी है, आपको बता दें कि आज कुछ युवा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जहां पर कि पुलवामा में 2019 में हमारे शहीद जवानों को शहीद हुए थे और उन पर अटैक हुआ था, तब वो शहीद हो चुके थे, और आज के दिन को काला दिवस के रूप में भी कुछ युवा मनाते हैं। आज हम पटना के सतमूर्ति के पास है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दीप शहीदों के नाम जलाया गया है, जहाँ पर कि आप दीप देख सकते हैं कि प्रज्वलित सतमूर्ति के पास किया गया है शहीदों के नाम पर, और यहाँ पर युवा सब एकत्रित हुए हैं, जो युवा हमारे 2019 में पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे उनके लिए आज ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहीं पर हम बात करते हैं कुछ युवा से। पूरा देश आज कुछ आज 14 फरवरी है, कुछ युवा आज वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, और आप पुलवामा में जो अटैक हुआ था उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहले आपसे बोलें कि वैलेंटाइन डे मनाने वालों का कितना जगह आप बाइट लिए हैं, कहीं नहीं। हम देश के लिए खड़े हैं तो आप लोग पहुँच गए, तो देश सर्वोपरि है, ये तो क्लियर हो गया कि देश सर्वोपरि है, और हम लोग भी युवा हैं, वैलेंटाइन डे मनाने वाले भी युवा हैं। तो युवा लोग जो भटक चुके हैं उनके लिए यही संदेश है कि भाई जब देश का बात है, वो भी जो 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, वो भी किसी के बेटा थे, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी का भाई। तो कहने का मतलब है कि जो गुजर गए उनको आज भाई हम लोग नम आंखों से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, और आप यहाँ किसी को गुलाब देने का काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम ये उनसे निवेदन करते हैं, हम कौन होते हैं संदेश देने वाले, निवेदन करते हैं कि युवा लोग एक होइए और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर जो संकल्पित किए हैं मोदी जी, उसमें हम लोग सारे युवा इकट्ठा होकर इसको आगे लेके चलें। आज हमारे देश में जो जवान बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, जो देश के जवान आज खड़े हैं उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। दिन रात एक करके जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, कब श्रद्धांजलि उनका हो, भाई हम लोग देने के लिए खड़े हो जाए, ये भी उनको पता नहीं है। जान हथेली पर लेके जो खड़े हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए तो सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जो लोग यहाँ रह के देश में आओ उन्हीं को गलत बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं यहाँ भी रखे सैनिक को गलत बताते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी संदेश है भाई कि सुधार जाइए, और आप लोगों को पूरा हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आपको आने वाले समय बड़ा दिक्कत होने वाला है भारत में भाई। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल देव है। ये थे राहुल देव, जो कि समाज सेवी हैं, और भी युवा यहाँ पर हैं। आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सतमूर्ति के पास आप लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी, ये 14 फरवरी जो 2019 में घटना हुई है, उसके लिए हम युवा एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो चलता आया, जो कि वैलेंटाइन डे वगैरह वगैरह ये सब, तो आजकल के युवा उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और उनको अपने देश के बारे में नहीं मालूम होता है कि आखिर हमारे देश में क्या हुआ है। वो साल दो साल में ही भूल गए कि 2019 में इतना बड़ा अटैक हुआ था पुलवामा का, जिसमें इतने ज़्यादा जवान शहीद हो गए, 40 जवान हमारे शहीद हुए, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस दिन को ब्लैक डे घोषित करके, इसलिए यहाँ पे जितने भी शहीद हैं, जहाँ जहाँ शहीद का स्मारक है, तो पूरे देश में लोगों को ये मनाना चाहिए इस चीज़ को, और लोगों को बताना चाहिए कि हमारे देश के लिए सबसे जरूरी हमारा देश का जवान है, जो हमारे बॉर्डर पे हमारे समाज की, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करता है, और उसको बचाने का काम यहाँ के अंदर के लोगों को करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के एक श्रद्धांजलि और सुमन श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आपका परिचय? यशराज सिंह, पटना। श्री राम सिंह, ये पटना के राजधानी के युवा हैं, जो कि पुलवामा अटैक में 2019 में जो अटैक हुआ था पुलवामा अटैक, उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जो कि आज 14 फरवरी है। कुछ बच्चे लोग इसे रोज डे, प्रपोज डे के नाम से ही मना रहे हैं, और आज पुलवामा में अटैक हुआ था, इस पे क्या? इस पे है कि हम नौजवानों से और देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के सरकारी दिवस मनाते हैं, वैसी ही 14 फरवरी को पूरे शहीद स्मारक पर पूरे देशवासियों से आग्रह करते हैं कि एक दीप जरूर जलाएं और 14 तारीख को विरोध करें और भारत माता का संस्कृति बचाए रखें, और जो 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के ऊपर
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग तो कार्यकर्ता कर नहीं सकते हैं। उसके लिए मेरा नाम है अखिलेश कुमार लूलन, क्रीड़ा प्रकोष्ठ, कार्यालय मंत्री बिहार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो युवा लोग पटना राजधानी में सतमूर्ति के पास एकत्रित हुए हैं, बोल रहे हैं कि आज हमारे लिए, देश के लिए यह ब्लैक डे है और आज श्रद्धा सुमन हमारे जवानों को अर्पित कीजिए, और पूरे देश को यह संदेश देने का, नए युवाएं जो पीढ़ी की हैं उन्हें संदेश दे रहे हैं कि पुलवामा अटैक में हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए आप। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।